बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका उस्काश शेफ, वेलकम टू द शो। आज हमारा सेगमेंट है जनाब ये क्या हो रहा है, और हम वीकली ये सेगमेंट करते हैं। आपने पिछले हफ्ते भी बहुत पढ़ी रही थी, इसके लिए बहुत मशहूर हैं आपके। आज आपने देखा आज सुबह ही सुबह सुबह जो है वो रीजेंट प्लाजा में आग लग गई। जी हाँ, रीजेंट प्लाजा मारूफ होटल है जिसमें आग लग गई, और मुझे शक हुआ कि ये बल्दिया टाउन का रेपिटेशन तो नहीं, कहीं रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं है बल्दिया टाउन का, क्योंकि वही लोग जो पहले बल्दिया टाउन के सानहे में मुलविस रहे हैं, वही लोग जो बल्दिया टाउन के सानहे पर दौड़ते हुए आ गए थे, आज फिर वो अचानक अफशां हो गए। फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं था, और कोई मामला अपनी जगह पे कोई कल सीधी नहीं थी। सिविल डिफेंस के पैसे आखिर कौन खा गया? सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के पैसे कोई तो खा गया होगा, लाजमी बात है। या सिविल डिफेंस वाले बेचारे इतने गरीब हैं कि वो पानी खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, या उनके पास पानी की सप्लाई नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कल का वो गवर्नर हाउस में, या फॉर दैट मैटर किसी अस्पताल में, या फॉर दैट मैटर चीफ मिनिस्टर हाउस में आग लग जाती, या खुदा ना करे बिलावल हाउस में आग लग जाती, तो क्या करते? क्या यही फायर हाइड्रेंट इसी तरह पानी के समंदर से बाल्टियां भर भर के ला रहे होते डालने के लिए? अच्छा, सेकंड टॉपिक पे आते हैं। कतर वाले हमारे आ गए जनाब, ये क्या हो रहा है? कतर वाले आए तलूर का शिकार करने के लिए जनाब, ये उबारा बस्टर्ड को एंडेंजर्ड स्पीशीज का शिकार किया उन्होंने, शाही मेहमान बने हुए हैं, और उनकी कुछ खुफिया मुलाकातों की खबरें बड़ी बाहर आ रही हैं। जी हाँ, बहुत सी सोशल मीडिया पे एक अजीब सी क्लिप, बड़ी तजीक आमेज क्लिप जो है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से वो गर्दिश कर रही है। मैं उसे कोट करना भी पसंद नहीं करता, लेकिन मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इसकी फिल फौर तरदीद की जाए, और इसकी क्लिप के चला बनाने वाले को, इस चैनल को, इस तरह के लोगों को जो इस तरह की डेफेमेशन कर रहे हैं, उसे फौरी तौर पर सजा दी जाए। और अगर ये सच है तो ये कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, ये मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, हुकूमत के लिए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सरताज अली साहब हमारे गए जनाब, उनके साथ क्या हुआ ये सबने देखा, फिर चराखों में रोशनी न रही। जहाँ ऐसे ही कुछ हुआ, सरताज अली साहब को उनकी होटल तक महदूद कर दिया गया, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, उन्हें एक सिक्योरिटी थ्रेट की हैसियत से ट्रीट किया गया। इंडिया में हमारे हुक्मरान उनको अपने जाति उमरा बुलाते हैं, उन्हें पगड़ियाँ देते हैं, उनसे बस नहीं चलता कि अपने पैम्पर्स एक्सचेंज कर लें और डायपर्स एक्सचेंज करके जो है मामला को चलाएं। लेकिन ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? इमरान खान जाते हैं सवात में जाते हैं जनाब, और वो कहते हैं कि जी एक जो प्रोजेक्ट जिसका इनॉग्रेशन 2012 में ऑलरेडी पावर प्लांट का हो चुका है, ये गोरकन मटलतान का एरिया, गोरकन मटलतान पावर प्लांट है स्वात के अंदर, इसका एक इनॉग्रेशन 2012 में अमीर हैदर खान होती साहब के जमाने में भी हो चुका था, उसका फिर दोबारा इनॉग्रेशन इमरान खान साहब कर रहे हैं। क्या आवाम को बेवकूफ समझा हुआ है इमरान खान साहब ने? क्या मसला है? आखिर ये हो क्या रहा है? आवाम क्यों नहीं जाग रही? क्या हो रहा है ये? अब आप आ जाते हैं इसके ऊपर। इमरान खान साहब ने पारस जहांजेब को एक इंटरव्यू दिया जनाब समा टीवी पर, उन्होंने कहा, कहने लगे सीनियोरिटी मेरे लिए कोई वक्त नहीं रखती। आप इस बात को गौर करें कि सीनियोरिटी उनके लिए कोई वक्त नहीं रखती। उन्होंने कहा, कहने लगे मैं सीनियोरिटी के बेसिस पर नहीं, कैपेबिलिटी के बेसिस पर हायरिंग करता हूं। भाई ये पैगाम आखिर वो किसको देना चाह रहे थे? क्या 2018 के इलेक्शन के हवाले से कोई बात करना चाह रहे थे इमरान खान साहब? क्या दबे अल्फाज में बिटवीन द लाइन एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जा रहा था कि देखो जो मुझे सपोर्ट करेगा हो सकता है 400 को सुपरसीड करके भी वो आ जाए अगला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और हो सकता है कि मैं बहुत से लोगों को कैपेबिलिटी की बुनियाद पर आउट ऑफ द ब्लू ला कर बिठा दूं कैपेबिलिटी के नाम पे कि जी ये कैपेबल लोग हैं, ये मेरे सहवारी हैं, ये मेरे कैपेबल लोग हैं। ये आखिर हो क्या रहा है? आवाम के साथ क्या हो रहा है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।